गिलाल सड़िया में पान लागेलू आ तू तो मयंक भैया के जान लागेलू वाह भाई वाह नया चौकी के पिसान लागेलू आ तू मयंक भैया के जान लागेलू राज करो पूरा यूपी बिहार झारखंड में पटना इनके नामे बा और कौन कौन से गाने आपके यार आप कौन कौन से सुन रहे गाने बहुत सारा गाना आपका तमाम तहलका मच रहा है टुनटुन यादव अरे की जौन रानी प गुमान करो तारे बेटा ओह रानी पराज कके छोड़ ले बानी एक और गाना जबरदस्त बाएता अरे की पीछा नहीं छोड़ा बत भाई गोली मार दे आ सारा रंगा दारी तहर खड़े खड़े झार दी अब हम कहले बनी अरे की कह दी हो बचल जवन बाटे वो खाड़ ली अब बाप ना बिगड़ ले तो बेटा का उखाड़ ली तो बहुत सारे बातें बना बना के बोल रही है माने उस टाइम उनको सिखाया गया था पपी लेने के लिए अब बोल रही है मीडिया में कि मुझे इशारा किया गया था कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसा थोड़ा ना होता तो इशारा करने से क्या कोई राजी हो जाएगा हाँ, तो गलती हाँ, किसका है अब जो भी बातें हैं अब गलती मैं किसको बोलूं लेकिन वो अब छीछा लेदर लग रहा है मजा नहीं आ रहा है लेकिन वो बता रहे हैं खेसारी लाल जी को कि म्यूट वीडियो बनाते हैं जो आती है यहाँ पर रूम में लड़की हीरोइन उसके साथ गलत करते हैं सबका अपना मोबाइल में भी रखे हैं खेसारी हमने देखा है पासवर्ड था उनके पास काजल रघो बताइए ऐसे ऐसे लगा रही है आरोप इसके लेकर के क्या कहेंगे क्योंकि आज तक खेसारी जी पे सब पे तो लगा है लेकिन खेसारी जी पे ऐसा कुछ कोई नहीं बोला है बोलने दीजिए बोलने वाले का मुंह तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं और क्या बातें हैं वो अंदर की बातें हैं और ना हम लोग इतना समय उनके साथ व्यतीत किए हैं एक भाई है और भैया को हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं जो भी बातें हैं वो अंदर की बातें हैं इसके विषय में क्या बताऊं तो मतलब काजल रघवानी जो आरोप लगा रही है सब बुनियाद है सब फेक है ना जी क्या कहेंगे यहाँ से काजल रघवानी आपकी आवाज सुन रही है तो जो भी है बोल रहे हैं कि आप काम करिए और आप भी वो भी कहीं खुश हैं वो भी कहीं काम करके खुश हैं तो आप भी कहीं काम करिए और लेकिन शादी करने के लिए बोले थे शादी नहीं किए महाराज ऐसा बात नहीं है पहले से जिसका शादी हुआ है वो कहाँ शादी करेंगे लेकिन बोल रही है कि वादा किए थे हमारे बिहार में ऐसा कलाकार कोई नहीं है जो डबल शादी किए हैं सब लोग सिंगल हैं भले किसी किसी का किसी कारण बस मान लीजिए पौने भैया का मैटर है तो पौन भैया की पत्नी जो जो थी वो डेट कर गई थी उसके बाद वो दोबारा शादी किए बिल्कुल हाँ तो सही बात है लेकिन ऐसे ऐसे आरोप लगाना इतने बड़े स्टार के लिए भोजपुरी के सभी लोग कहीं ना कहीं उनको सुनते हैं बड़े प्यार से और उन राहों पे भी चलते हैं तो ऐसा ऐसा इल्जाम लगाना क्योंकि काजल रघवानी भी कोई छोटी हीरोइन नहीं है बड़ी हीरोइन में आती है महाराज ऐसा ऐसा आखिर क्या बात हो सकता है अंदर की बातें हैं और वो बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है आप भी बोल सकते हैं नहीं हम कैसे बोल नहीं आप बोल सकते हैं टुनटुन यादव को मैं 50,000 रुपया दिया उनका इंटरव्यू दिया हो जाएगा सही काहे बोलेंगे भाई आप बोल सकते हैं ना बोले लगभग हम कहा तेनू के बाबा बोले लगभग काहे बोलो बोले लगभग ऐसा तारा दुश्मनी 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 थोड़ी ना है एक थिंकिंग आएगा आप बोलने लगेंगे बोलने लगे अच्छा चलिए वो तो हो गया लेकिन अभी देखिए प्रमोद प्रेमी अखिलेश कश्यप में तू आवो बक्सर तू आवो पटना लाइव में मतलब कि हम लीड लगाना पड़ गया टुनटुन भाई हम बच्चा उच्चा था हम सोचे लीड लगा के सुनते क्या क्या हो रहा है साला देख के माथा गरम हो गया सब प्यार हो प्यार हो एक दूसरे के प्यार मतलब माई बहन वाला ये भोजपुरी प्यार हो सब प्यार हो जो एक भी रहे माहौला मतलब तो गाली गलौज तो ठीक नहीं है ना टुनटुन जी बताइए ऐसे होता है भोजपुरी में किससे भी आपसे भी होता है हमसे भी होता है सबसे होता है गाली गलौज जिससे ज्यादा प्रेम रहता है उसके साथ होता है आप कभी गाली गलौज किए कि नहीं किए नहीं हम तो किए हैं किए हैं मैं बोल दिया ना किए हैं किए हैं तो किए हैं हम किए हैं आप करेंगे लेकिन हमसे हमारे मुंह से ये आप सब अच्छा नहीं लगता है कि आप सब बोलेगा और बोलिए और क्या बोले इसमें तो आप सीधा सीधी बोल दिए कि नहीं सब ठीक है प्रेम है प्यार है तो इसके आगे कुछ अब रहिए नहीं गया क्या मिलाप हो गया सब में अभी तो मुझे पता नहीं है लेकिन सब प्यार हो लेकिन गाना क्यों लेकर के होता है कि मेरा पहले गाना था तो मेरा गाना था तो भोजपुरी में तो सब लोग एक गाना बजता तो सब लोग तो गाते तो फिर विवाद विवाद रहो ना बताए का है हम कैसे बताएं तो पूछ रहे साथे रहिला सब कुछ प्रेमी रहुआ कहाँ रहता है रहुआ अमेरिका रहता नहीं क्या हमने के न्यूज़ में दिखाई जा ना हमने के दिल कहाँ रहता है वही वो
बैठल बानी जानती जियार पी थनवे पो। अच्छा अनुपमा यादव को लेकर के क्या कहिएगा? अनुपमा यादव को नवादा में देखे क्या कहे, वो भी हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात तो अनुपमा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और जितना उनके अंदर टैलेंट है न गाने का, हर प्रकार के गाने वो गा देते हैं, मंच का बादशाह है। और मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, लेकिन कलाकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है आप मत बुलाइए। लेकिन वो बता रही थी आज के जमाने में हर जाति के लोग, हर जाति के कलाकार अपने अपने जाति के ऊपर गाना गा रहे हैं। रही बात जाति का आरोप, तो हर जाति के लोग अपना अपना गाना गा रहे हैं, तो आप उन्हीं को बुला के काम न करवा लीजिए, क्या जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अनुपमा यादव पहले ही मना कर चुकी थी कि बिक्कू जी के साथ में हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, फिर भी वो लोग जबरदस्ती बता रही। वो उनकी पर्सनल मैटर है, उसके विषय में क्या बताऊं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अनुपमा विवाद वहीं से शुरू होता है ना। अनुपमा जी मना करती है, वो बताती है कि स्टेज पे हम नहीं गाएंगे, लेकिन बिक्कू जी बोलते हैं कि अरे पागल गा दो ना, मतलब बवाल हो रहा था शायद वहां पे, इसलिए सोचे कि बवाल खत्म हो जाए। लेकिन अनुपमा जी फिर गाना गाई है, लेकिन उनके साथ बाद में मारपीट हुआ है। बिक्कू जी बचाने के लिए, अमित आशिक भी थे, तो ऐसे ऐसे कलाकारों के लिए होगा तो मतलब कैसे हो। आप भी स्टेज पे जाते हैं कहीं ना कहीं, हर जगह जाते हैं, तो कलाकार का सब स्वागत होना चाहिए ना। कोई मेहमान बन के जाता है, आपकी दिल जीतने के लिए जाता है, जनता को झुमाने के लिए जाता है, ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए गलत बात है। ये गलत बात है। और जो भी देखिए धरती पर बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, लेकिन मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, धरती पर डर किसको नहीं है। अभी अगर हमारे वायरल भइल बा कि हम ही ना तू धिया जी बा हल्का में लेते रहो, यानी एक लड़का ने पीछे गया कि देखियो तहारा मत लाग जाए, एक गोली में मतलब नीचे ऊपर हो जी बा, भैया हमारे ना हुई तोहरो हो जाए, चलाओ तर तक भइल तोहरो हो जी। तो वो बातें हैं, ये बातें आप लोग किसी भी चाहे कौन जाने कहीं कतना कहे ना ताकतवर हो, खस कहे ना उनका 500 किलो वजन होखे, लेकिन एगो काफी बा सही जगह डला जी। तो सही बात है। चलते चलते खेसारी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि काजल रघवानी का बस देखिए क्या है कि हमेशा आर्टिस्ट चाहते हैं कि हम लोग नए नए हीरोइनों के साथ काम करें, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और भोजपुरी में हम लोग भी एंट्री करेंगे फिल्म में, तो वो हर लोग के साथ काम करते हैं। और रही बात तो उनकी, तो मैं चाहूंगा कि वो भी किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम करे, चाहे जो भी पुराने अगेंस्ट में उनके बहुत सारे हीरो है लोग, उनके साथ काम करे और अपना नाम करे, इस सब में कोई फायदा नहीं है, इसमें क्षति हो रहा है। लगातार इंटरव्यू दे रही है, देख रहे हैं एबीपी भी आज तक पे सब पे जा जाके यही सब बातें सब समय तोहरो पर दिहन। चलिए तो क्या कुछ सोचते हैं टुनटुन जी के गाने के बारे में। रोशन भैया के स्टूडियो में बनी जा, और जिगर प्यारा भाई हमारे अभी चार पांच रकेशवा भैया बहुत प्यारे भाई हैं, और भैया के आप लोग प्यार दीजिए, और जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे म्यूजिक बना रहे हैं, तो इनके इनके लिए आप लोग आइए और गाना गाइए। अपना गाना आप गवाए गाना भैया का अनगिनत होते रहता है। म्यूजिक था मेरा की बरतियां अखियां मारा था, और हम हमारा उससे पहले से रिलेशन है यहाँ पे, और उस गाने से वो हमारी पहचान हुई है। तो किस तरीके से गाने अभी रिकॉर्ड हुआ है? छठ का गाना रिकॉर्ड हुआ है, और देवी गीत हुआ है, देवी गीत हुआ, लोकगीत हुआ है। लोकगीत हुआ है, तो आपको छठ बाद मतलब रिलीज होगा कि इधर ही? छठ का रिलीज होगा और लोकगीत भी रिलीज हो सकता है। हो सकता है।